हेलो श्रेंड्स, तो अब हम इस पार्ट में आ गए हैं। एक्चुअली ये इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए बोलूंगा क्योंकि कई न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करते हैं तो ये टॉपिक का हमें यूज करना होता है। और ये वीडियो मैं फिर से 10th और 12th दोनों स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। तो क्या टॉपिक का नेम है? दैट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन एंड साइन कन्वेंशन। प्लीज नोट डाउन दिस टॉपिक, लीनियर मैग्निफिकेशन एंड साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेस। देखिए, मैंने स्फेरिकल मिरर्स के लिए बनाया हुआ है क्लास 10th के लिए स्पेशली वो, लेकिन 12th में तो स्फेरिकल मिरर्स तो हट ही गया है, बट लेंस तो है, इसलिए मैं फिर से ये वीडियो बना रहा हूं। सो व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन एंड वॉट साइन कन्वेंशन वी यूज फॉर इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ या लेंसेज के लिए, ये चीजें हमें ध्यान रखना है। देखिए, बहुत अच्छा सा हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहले लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है वो समझ लेते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन को एम बोलते हैं। और एक्चुअली व्हाट मैग्निफिकेशन ये बताता है कि व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम इसको एक रेशियो के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो कैसे लिखते हैं देखिएगा, हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज भी बोलते हैं, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो रेशियो मिलता है हमें कि हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो मिलता है उसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं। इसको हम हाइट ऑफ इमेज को एच आई लिख देते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच ओ लिख देते हैं। ध्यान रखिए बच्चों, इमेज साइज हमेशा न्यूमरेटर में होगी और ऑब्जेक्ट साइज किस में होगी बच्चों, दिस विल बी इन डिनोमिनेटर। चलिए, ये समझ में आ गया। यही मैग्निफिकेशन को हम फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस इस अदर फॉर्म में भी लिखते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं इसको किस फॉर्म में लिखेंगे बच्चों, बताइए। मैग्निफिकेशन को हम लिख लेते हैं इमेज डिस्टेंस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट। अब देखिएगा, इसमें ध्यान रखना है हमें, साइन हमेशा इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, बिकॉज ये साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यहां पर पॉजिटिव आएगा। जब हमने मिरर का अगर मैग्निफिकेशन लिखना है तो माइनस वी अपॉन यू आता है, लेकिन जब स्फेरिकल लेंसेज के लिए लिखते हैं तो वी अपॉन यू, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये लीनियर मैग्निफिकेशन को हम फोकल लेंथ के फॉर्म में लिख सकते हैं। वी नो दैट, एक्चुअली ये मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, बट अभी हम लिख लेते हैं, वन अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू वन अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस वन अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये जो है इसको बोलते हैं स्फेरिकल लेंस फॉर्मूला, जो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, इसको प्रूफ भी करेंगे, बट अभी आप समझ लीजिएगा ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें देखिए, माइनस आता है अगर यहां पर तो यहां पर प्लस आता है, और अगर यहां पर प्लस आता है तो यहां पर माइनस आता है, ये ध्यान रखिए। तो स्फेरिकल मिरर्स फॉर्मूले में क्या आएगा, माइनस वी अपॉन यू, क्योंकि यहां पर प्लस आता है, और यहां पर माइनस वन अपॉन यू आता है, मतलब यहां पर प्लस आएगा, ये ध्यान रखिएगा। मतलब सिंपल सी बात क्या है, स्फेरिकल लेंस फॉर्मूला मैग्निफिकेशन के लिए ये है, और ये क्या है स्फेरिकल, ये मैग्निफिकेशन फॉर्मूला है, ये स्फेरिकल मिरर, सॉरी स्फेरिकल लेंस फॉर्मूला है। क्या है? स्फेरिकल लेंस फॉर्मूला, राइट, बोलिएगा यस। अब ये मैग्निफिकेशन को एक तो हमने हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिख दिया है, और इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में इसको क्या बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस, वी यहां पर हम इमेज डिस्टेंस देते हैं, और यू को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बोलिएगा यस। अच्छा, ये रेशियो सेम क्वांटिटी का है, सेम रेशियो, सेम क्वांटिटी का रेशियो होता था, उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, इट मीन्स मैग्निफिकेशन इज यूनिटलेस क्वांटिटी, बोलिएगा। अभी इस फॉर्म में भी हम निकाल सकते हैं। सो एम देखिएगा, ये हमारी मेन इक्वेशन बन गई है, ये हमने जनरल फॉर्म में लिखा है इसको, अब हम इसको फोकल लेंथ या अदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे अब मेरे पास ये मिरर फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला में मैं क्या करूं, वी से क्या करता हूं, वी से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दू बोथ साइड, तो वी अपॉन एफ इज इक्वल टू वन माइनस वी अपॉन यू, बोलिएगा यस। इसको इधर ले आइए, तो वी अपॉन यू इज इक्वल टू वन माइनस वी अपॉन एफ, और ये क्या बन गया बच्चों, वी अपॉन यू इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। तो ये देखिए, ये मैग्निफिकेशन फॉर्मूला किस फॉर्म में आ गया, दिस इज मैग्निफिकेशन फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ
इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, आर यू गेटिंग, और ये किस फॉर्म में इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बोलिएगा यस। चलिए बहुत अच्छे, अब ये एक फॉर्मूला और आ गया मैग्निफिकेशन का, तो चाहे तो हम इसको यहां एक साइड में और लिख लें, तो एम इक्वल टू और क्या आ गया, 1 - v / f। डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। एक फॉर्मूला और बना लेते हैं जो यू के फॉर्म में आ जाए। तो अगेन देखिएगा, इसी क्वेश्चन का यूज करते हैं हम, यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यू अपॉन एफ यू अपॉन वी माइनस वन। बोलिएगा यस। अब हमें चाहिए कि वी अपॉन यू बनाना है, तो क्या करा हमने, ये वाले को इधर ले आए, यू अपॉन एफ माइनस को इधर लाए, तो ये प्लस वन हो जाएगा, ये यू अपॉन वी है। एलसीएम लीजिएगा तो इसका एलसीएम हो जाएगा यू प्लस एफ अपॉन एफ, और ये आ जाएगा यू अपॉन वी। बट हमें तो चाहिए क्या, वी अपॉन यू। रेशियो को कल कर दीजिए, तो ये आ जाएगा, इसको लिख देते हैं वी अपॉन यू, रेशियो को कल करके, तो ये आ जाएगा एफ अपॉन यू प्लस एफ आएगा यानी, और यही क्या है, मैग्निफिकेशन। बोलिएगा यस। तो ये मैग्निफिकेशन हमने और के फॉर्म में लिखते जाइएगा। ये देखिए, ये मैग्निफिकेशन किस फॉर्म में आ गया, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, फोकल लेंथ। बोलिएगा यस। तो 3-4 फॉर्मूले हमारे पास मैग्निफिकेशन के हो सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड मैग्निफिकेशन कॉन्सेप्ट। मैग्निफिकेशन सिंपल सा ये बताता है कि ऑब्जेक्ट की साइज एंड इमेज की साइज में क्या डिफरेंस है, क्या रेशियो है। आप समझ में आ गया, ठीक है। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट और लिखते हैं, फिर साइन कन्वेंशन के बारे में भी थोड़ा सा समझेंगे हम, ठीक है। तो जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, इफ एम इज इक्वल टू वन दिया हो, एम इक्वल टू वन कब होगा, जब दोनों साइज क्या हो, इक्वल हो, जैसे 2/2 होगा तो 1 मिलेगा। तो इसका मतलब हो गया ऑब्जेक्ट साइज एंड इमेज साइजेस बताइए इक्वल, ये समझ में आ गया होगा आपको, राइट। बट प्लस साइन हो तो क्या होता है, प्लस साइन यहां पर क्या इंडिकेट करेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या साइज क्या करेगा, ये नेचर करेगा, नेचर ऑफ इमेज की, क्या वर्चुअल इरेक्ट है या नहीं। लेकिन अगर माइनस साइन है यहां पर, तो माइनस साइन क्या करेगा बताइएगा, यहां प्लस वन क्या रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर वन रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट साइज एंड इमेज साइजेस आर इक्वल। बट पॉजिटिव साइन वर्चुअल एंड इरेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है नेचर को, और अगर नेगेटिव साइन है यहां पर तो ये बता रहा है रियल एंड, ये ध्यान रखिएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ये साइन कन्वेंशन होते हैं। अभी हम वो भी समझेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड नेचर बता रहा है, क्लियर बोलिएगा या सुनो। बट इफ एम इज लेस देन वन, एम इज लेस देन और इक्वल टू वन, या लेस देन वन कर दीजिएगा, लेस देन वन अगर होता है तो क्या बताता है, लेस देन वन साइज ऑफ इमेज है ना, ये हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज की साइज जो है स्मॉलर है एज कम्पेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर है बच्चों। अब फिर से इसमें प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट वही है, प्लस मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट और माइनस मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, बोलिएगा यस। बट अगर मैग्निफिकेशन आपको ग्रेटर देन प्लस माइनस वन मिलता है, इसका मतलब है हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और प्लस का मतलब यहां पर वही है कि वर्चुअल इरेक्ट, और माइनस का मतलब है बताइएगा रियल एंड इन्वर्टेड। ये सारे कॉन्सेप्ट कई बार कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर माइनस टू मतलब ये तो वन से लेस देन है, नहीं, यहां पर माइनस टू का मतलब है वो है तो टू ही, मैग्नीट्यूड तो उसका टू है, माइनस को सिर्फ ये बता रहा है रियल एंड इन्वर्टेड, आर यू गेटिंग। चलिए एक थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होता था, मैं वो कंफ्यूजन को दूर करवाता हूं। जैसे मैंने आपसे बोला बच्चों कि मुझे बताइए, जनरल कॉन्सेप्ट बताइए, मैग्निफिकेशन आपको -0.5 दिया है। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, अगर मैग्निफिकेशन दिया है, वैल्यू नहीं दी है, मैग्निफिकेशन दिया है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर देन लार्जर देन एंड नेचर बताइए, तो आप क्या कहेंगे। देखिए इसका आंसर क्या, नेचर इस पहले तो नेचर बताइए, नेचर ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज, साइज एग्जेक्ट नहीं बट आपको वैसे तो एग्जेक्ट भी बता सकते हैं, हाफ है ऑब्जेक्ट की हाइट से, जस्ट हाफ है, ठीक है, बट नेचर बताइए इसमें, नेगेटिव साइन को देखिएगा, नेगेटिव यहां पर नेचर बताएगा, तो रियल एंड बोलिएगा रियल एंड इन्वर्टेड। बस अब माइनस का यहां पर रोल
एंड हो जाता है, यहां पर रूल नहीं है माइनस का। अब देखना है 0.5, 0.5 लेस देन 1 है, डेफिनेटली लेस देन 1 है, तो स्मॉलर साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। बोलिएगा बोलिएगा यस और नो। यस गुड। अगर ये फर्स्ट न्यूमेरिकल था, सेकेंड अगर आपको दिया मैग्निफिकेशन दिए है -20 या -2 दे दिया, -2 हो गया। अब आपको नेचर ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज बताइएगा, तो इस केस के लिए क्या होगा, ये केस के लिए हो गया था, तो नेचर ऑफ इमेज बताइए रियल एंड इन्वर्टेड होगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव साइन है, रियल एंड इन्वर्टेड। बोलिए यस। और साइज ऑफ इमेज देखिए 2, यहां माइनस में क्या बता दिया था, रियल एंड इन्वर्टेड बता दिया था, माइनस का रोल खत्म हो जाता है, तो आप इसको सोचिए मत कि ये लेस देन 1 है, माइनस का काम क्या था, रियल एंड इन्वर्टेड बताना, बता दिया। साइज ऑफ इमेज लार्जर, 2 ज्यादा है ना, किससे, 1 से, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। बोलिएगा यस और नो। गुड, समझ में आ गया, मजा आ गया। ओके चलिए, इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़े। ओके इसके बाद हम आते हैं मैग्निफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट हम साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं मैग्निफिकेशन में, वही देख लेते हैं। तो लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेस। साइन कन्वेंशन, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, न्यू कार्टेशियन साइन, सॉरी साइन SIGN आता है, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेस। ठीक है, ये समझ लीजिएगा, ये एक बार अगर अच्छे से आपने देख लिया तो आपको पूरा समझ में जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिएगा, हमें सिंपल मैथमेटिक्स में हम समझते हैं, यहां पर हम ओरिजिन लेते हैं, ये हमारा प्लस वाई प्लस एक्स लेते हैं, ये प्लस वाई लेते हैं, यहां पर माइनस वाई लेते हैं, और ये माइनस एक्स लेते हैं। बोलिएगा यस और नो। यस। अब देखिए, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, लेफ्ट साइड अगर हम ये एक्सिस पर, ये वाली एक्स एक्सिस पर नेगेटिव पर जाते हैं, तो एक नेगेटिव एक्सिस पर हम यहां से सारी डिस्टेंस मेजर करेंगे, लेफ्ट साइड अगर मेजर करते हैं, लेफ्ट साइड मेजर करते हैं, तो इसके साथ हमेशा हम साइन क्या लगाएंगे, माइनस साइन। ध्यान रखिए, ओ से लेफ्ट साइड इस एक्सिस पर अगर जाते हैं तो हमेशा वो वैल्यू के साथ में क्या होगा, माइनस साइन। बट अगर राइट साइड जाएंगे, यहीं से ओ से राइट साइड जाएंगे तो क्या होना है बताइएगा, राइट साइड जाना है तो इसके साथ हमेशा लगेगा पॉजिटिव साइन, कोई भी वैल्यू मेजर करेंगे उस एक्सिस पर राइट साइड। आ गया समझ में बच्चों। अगर हाइट में, हाइट में चाहे यहां से हाइट लें, यहां से लें, अपसाइड अगर हाइट लेंगे, अपसाइड हाइट लेंगे, तो इसके साथ में हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। बोलिएगा यस और नो। यस। बट ओ से अगर हम डाउन साइड, चाहे यहां से डाउन साइड लें, चाहे यहां से डाउन साइड लें, तो हमेशा इसके साथ में क्या साइन आएगा, बोलिएगा नेगेटिव साइन। आ गया होगा समझ में। तो ये ही साइन कन्वेंशन है। क्या है ये, साइन कन्वेंशन। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बताइए, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट रखा मैंने, ऑब्जेक्ट रखा, नेम ऑब्जेक्ट का ए भी रख दिया, बताइए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसके साथ साइन क्या लगाना चाहिए मुझे, तो डेफिनेटली ये किधर है, पॉजिटिव साइन साइड है, हाइट में, हाइट में ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन यहां से मैं डिस्टेंस अगर मेजर करूंगा ऑब्जेक्ट की, यहां से यहां तक, बताइए यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो होगी, किधर से मेजर करेंगे, ओ से लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड होगा तो माइनस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा हम बोलते हैं यू। बोलिएगा यहां से तो माइनस यू, यू तो ही रहेगा, साइन कन्वेंशन से हमने ये लिया। आगे समझ में। सपोज कीजिए इमेज कहीं इधर बन रही है, चाहे वो डाउन साइड बने या कहीं भी, चलिए डाउन साइड बन गई है, डाउन साइड बन गई तो हाइट ऑफ इमेज तो रहेगी रहेगा, लेकिन डाउन साइड बनी तो इस हाइट पर क्या जाएगा, माइनस साइन। बोलिएगा यस और नो। लेकिन यहां से अगर हम राइट हैंड पर प्रिंसिपल एक्सिस जो कहेंगे हम उसको, या ये एक्सिस पर अगर हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, राइट साइड है ना, तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वी, वी यहां पर क्या है, इमेज डिस्टेंस। बोलिएगा यस। राइट, समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं एक ग्रे डायग्राम की हेल्प से भी आपको समझा दूंगा, मजा आ गया। ओके बच्चों, अब हम एक रे डायग्राम ले लेते हैं, कौन सा रे डायग्राम ले लेते हैं, और उसमें सारी चीजें हम एक बार शो कर लेते हैं कि कौन सी चीज पर क्या साइन लगेगा। कौन सा ले, चलिए एक कॉन्वेक्स लेंस का है, कौन सा भी केस ले लेते हैं, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस राइट, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर ऑप्टिकल सेंटर, उसमें हमने ओ लिया था रेफरेंस पॉइंट, यहां पर हम ऑप्टिकल सेंटर लेंगे, ये राइट साइड फोकस हो जाएगा, ये राइट साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, लेफ्ट साइड
फोकस हो जाएगा लेफ्ट साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। यस और नो बोलिएगा, यस और नो। वेरी गुड। ओके, अब मुझे सारी डिस्टेंसेस मेजर करनी है, तो जनरली आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम राइट साइड की मेजर करेंगे, लेफ्ट साइड भी मेजर कर सकते हैं, बट जिधर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं उसकी जस्ट अपोजिट वाली साइड को देखते हैं। तो ये देखिए, यहां से यहां तक डिस्टेंस मेजर अगर मुझे करना है तो यहां ये ले लेता हूं, तो ये डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। बोलिएगा यस और नो। तो इस पर साइन क्या लगाना चाहिए मुझे? पॉजिटिव लगाना चाहिए, ये पॉजिटिव साइन आएगा। हमेशा फोकल लेंथ हम क्या लिखते हैं कॉन्वेक्स लेंस की? पॉजिटिव, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड रख रहे हैं इसलिए। अब यहां से यहां तक ओ से सी तक क्या है हमारा? यहां से यहां तक है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम आर बोलते हैं, और इसके साइन भी साथ, इसके साथ साइन क्या आएगा बोलिएगा? पॉजिटिव। और यहां से मेजर करेंगे डिस्टेंस। समझ में आ गया है यहां तक? चलिए, अब मैं कहीं ऑब्जेक्ट रख देता हूं, जैसे सपोज कीजिए मैंने ऑब्जेक्ट यहां रखा, यह ऑब्जेक्ट को हम इरेक्ट रखते हैं हमेशा ए बी ऑब्जेक्ट नेम में। तो बताइए यहां ऑब्जेक्ट ए बी क्या है? ए बी ऑब्जेक्ट हाइट है, तो इसके साथ में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ओ फॉर ऑब्जेक्ट। बताइए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं कैसे लिखूं? पॉजिटिव साइन लगाऊं या नेगेटिव लगाऊं? हाइट में है, अपसाइड है, तो आपको पता ही होगा इसके साथ में हमें पॉजिटिव साइन लगाना था। ठीक है बच्चों, अब हम रूल फॉलो करते हैं, तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट? ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, ये फोकस से जाती है लाइट। सेकेंड, डायरेक्ट इंसिडेंट ऑन ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर पर किया, तो ये इमेज ये यहां की बन गई। बन गई बच्चों, देखिए बी इधर है तो ये बी डैश हो गया, और ए ऊपर है तो ये ए डैश डाउन साइड आ गया। बोलिए गाइस। चलिए अब हमें और देखना है, तो कुछ और डिस्टेंसेस चाहिए, जैसे ये बताइए यहां से यहां तक ये क्या है? हाइट ऑफ इमेज। बोलिएगा, इसको हाइट ऑफ इमेज बोल देते हैं। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज के साथ साइन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा या नहीं? बोलिएगा, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, अगर साइन कन्वेंशन समझ में आ गया तो आपको सारी चीजें समझ में आ रही है, नहीं आ रहा तो वन और टू टाइम देखिए, देन यू विल गेट एवरीथिंग, डोंट वरी। ओके, अब ओ से बी डेज तक डिस्टेंस मेजर करेंगे। ओ से बी डेज तक क्या है हमारा? ओ से बी डेज, ओ बी डेज एक्चुअली क्या है यहां पर? वी है या नहीं, जिसको हमने इमेज डिस्टेंस बोला है। क्या बोला है? इमेज डिस्टेंस। इसके साथ साइन क्या लगाए? राइट साइड जा रहे हैं तो इसके साथ पॉजिटिव लगा दीजिएगा सर, तो मैंने ये पॉजिटिव लगा दिया। तो देखिए मैंने यहां पर सारी चीजें लगा दी। अच्छा, एक चीज और बता दूं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट था तो प्रिंसिपल एक्सिस से हम ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू बोलते हैं, और इसके साथ साइन क्या लगाएंगे? नेगेटिव। तो ये सारी चीजें मैंने साइन कन्वेंशन की हेल्प से बता दिएगा। आगे समझ में? मुझे लग रहा बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, जैसा मुझे फील हो रहा है। ओके, एक और साइन कन्वेंशन लगाकर हम देख लेते हैं, ताकि आपको न्यूमेरिकल जो आगे हम सॉल्व करते हैं या जो कॉन्सेप्ट आते हैं तो आपको सारा क्लियर हो जाए। जैसे अब मैं एक कॉन्वेक्स लेंस ले लेता हूं, सॉरी कॉन्केव लेंस ले लेता हूं, सेकंड कॉन्सेप्ट है ना, उसका इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया फर्स्ट, सेकेंड फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकेंड फोकस एंड सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने ऑब्जेक्ट को कहीं यहां रखा, राइट? ये ए बी ऑब्जेक्ट का नेम है, रूल फॉलो किया, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो लाइक दिस, इट विल अपीयर टू पास थ्रू द लेफ्ट साइड फोकस, जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड का ये ऑब्जेक्ट था, पता ही है आपको। ऑब्जेक्ट हाइट को एच ओ लिखेंगे, इसके साथ साइन पॉजिटिव लगाएंगे कि हाइट की बात कर रहे हैं, बट ये लेफ्ट साइड हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसके साथ भी क्या आएगी? माइनस यू। बोलिएगा या सुनो। लेकिन यहां पर देखिएगा, नेक्स्ट रूल यूज करेंगे तो ये स्पेस खुद जाएंगे, ये इमेज यहां कहीं बन जाएगी, ये देखिएगा इमेज, तो ये ए डेस ऊपर ही है, बी डेस डाउन साइड आएगा। तो अब देखिए ए डेस बी डेस क्या है हमारा? ई डेस बी डेस, ए डेस बी डेस क्या है? हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज को एच आई लिखते हैं, अब इसके साथ देखिए ये भी ऊपर ही है, तो इसके साथ साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। तो इमेज के साथ में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ में हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या लेते हैं बताइए? ओ बी क्या होगा? माइनस यू, क्योंकि साइन कन्वेंशन यूज किया है। अब इमेज डिस्टेंस बताइए यहां पर, इमेज डिस्टेंस क्या है? ओ से बी डेस, ये ओ से बी डेस, ओ से बी डेस क्या है? इमेज डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस को हम वी बोलेंगे, लेकिन लेफ्ट साइड होने के कारण नेगेटिव साइन यूज करेंगे। तो समझ में आ ही गया होगा सारी चीजें, राइट साइड का इसमें रोल ही नहीं बचा है। तो ये सारी चीजें हैं साइन कन्वेंशन, अगर आपको समझ में आ गया है तो एक बार हल्का सा क्लेम करेंगे आप, मुझे ना दिखाकर आप इंडिविजुअल और कुछ कॉन्सेप्ट में आप इसको अप्लाई करके देखेंगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग और कीप लर्निंग, क्योंकि अगर समझ में आएगा तो मजा तो आएगा। ठीक है, थैंक यू।